बरेली के किला थाना क्षेत्र के जसौली मोहल्ले में मामूली से विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट से शुरू कर दी और इसी दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। वहीं गोली लगने से आदिल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आदिल की मौत से घर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्रवाई की जा रही है। बरेली का एक पूरा मामला जहाँ पर गोली लगने से एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे, मामूली विवाद था, जिसके बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष देखने के मिला। ये खूनी संघर्ष इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक की मौके पर ही जान चली गई। आसपास का माहौल काफी खराब हो गया था, इसके मद्देनजर पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है, वहीं दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। किला के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति आदिल पुत्र इसरार अहमद, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उस व्यक्ति को अंजुम पुत्र अकबर, अनम और अनुल और एक दो अन्य लोगों ने मारपीट की उसके साथ और उसको गोली मार दी है, जिसमें जो आदिल है उसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ उसका एक साथी है, उसको सर में चोट लगी है, नदीम पुत्र खुर्शीद, उसको चोट लगी है और वो अभी उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इस पूरी घटना में घटना का जो कारण है वो बताया जा रहा है, शराब पीकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ इस तरह की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर लेकर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली क्या है, हमारे पास जब ये पेशेंट आया था तो वो डेथ हो चुका था। हमने मैंने यहाँ पे काउंटर पे चेक किया था उनको, ठीक है ना, चीफ ऑफ पेशेंट है, ठीक है ना, लेकिन अटेंडेंट रिक्वेस्ट ये थी कि नहीं प्लीज़ एक बार चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए, इसलिए मैं हम लोग आईसीयू लेके गए थे उसको, ठीक है ना। हमने चेक किया, एक ECG निकाला था उनको, जो कि क्लियर था कि डेथ हो चुकी है और पूरा ग्राफ भी क्लियर था। नहीं नहीं भाई, एकदम सही था। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा कोई पेशेंट था उसको देख के शॉक होने के बाद वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुआ था, उसको थोड़ा रिलीफ कराया हम लोग, ठीक है ना, वाइटल वगैरह चेक किए नॉर्मल। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में काशीराम आवास योजना में बनी कॉलोनी में जमकर पथराव हुआ, जिसमें दो महिला समेत एक युवक घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जाँच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, जहाँ पर इस कॉलोनी में लगातार पथराव हो रहा था, किसी तरह से पुलिस ने स्थिति पर काबू किया है। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशीराम आवास योजना में हुआ पथराव और इसमें दो महिला समेत एक युवक घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पथराव किया गया है, वजह लेकिन साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशीराम आवास कॉलोनी में पथराव होता हुआ नजर आ रहा है। युवक आपको नजर आएगा जो एक के बाद एक जो यहाँ पर कॉलोनी है जिसमें एक घर है उसके ऊपर पथराव करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग खड़े हैं, किसी ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि क्या वजह है, क्यों ये युवक पत्थर मार रहा है इस घर पर, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन देखकर ये अंदाजा जरूर लग सकता है कि युवक पर खून सवार है और इस वक्त वो लगातार जो खिड़कियां हैं उसके शीशे पत्थर से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, युवक को हिरासत में लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, क्या वजह थी इसके पीछे, और एक नहीं दो तीन युवक ये नजर आ रहे हैं। तो मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशीराम आवास योजना में जो कॉलोनी बसाई गई थी उस कॉलोनी में पथराव होता हुआ नजर आ रहा है और इस पथराव के चलते ये जो घर है इसके जो खिड़कियां हैं उसके कई शीशे टूट गए हैं। गनीमत यह रही कि आसपास मासूम बच्चे थे, उन्हें कोई पत्थर नहीं लगा, वरना कोई बड़ा यहाँ पर हादसा या घटना हो सकती थी। एक दो युवक नजर आ रहे हैं जिन्होंने पथराव किया है, किसी ने वीडियो भी बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, दूर कुछ औरतें खड़ी हुई भी नजर आ रही है, लेकिन वजह क्या थी पथराव की वो साफ नहीं हो पाई है। जो पड़ोसी हैं वो लगातार देख रहे हैं, लेकिन देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी मामूली बात को लेकर ये विवाद हो रहा है और
घर में से, बंद घर में से भी लगातार ईंट पत्थर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ है और जिसमें युवक को चोट तो आई है लेकिन उतनी गंभीर नहीं आई। गनीमत रही कि कोई मासूम बच्चा अभी आगे नहीं आया, क्योंकि दूसरी तरफ मासूम बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर नजर आ रहे हैं। वहीं मेरठ के कुंडा क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए जहर बन गई है। बताया जा रहा है कि डेढ़ दर्जन बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी, जिसके बाद एक बच्चा एक एक करके सभी बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, बच्चों को उल्टियां आने लगी। वहीं बच्चों की बिगड़ती हालत को देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेढ़ दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। SSP और DM ने भी बच्चों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी बालाजी ने कहा कि जहरीली कोल्ड ड्रिंक के मामले में तफ्तीश की जा रही है, CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर मासूम बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ही मासूम बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। ये अभी अभी सूचना मिला था, जो कुंडा फाटक जो एरिया है, जो थाना प्रतापपुर के अंतर्गत है, वहां कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीने से वॉमिटिंग, फिर उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ा तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले दिखाए थे, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में यहाँ एडमिट कराए हैं। अभी फ़िलहाल डॉक्टर से बात की गई है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि कंडीशन स्टेबल है। जो और भी लोग हैं जो उनके साथ थे, उनसे बात करने पर उन्होंने यही बताए हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक दिया गया है, उसको इन लोगों ने लिए हैं और उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स से डेवलप हुआ तो हमें हॉस्पिटल में अभी एडमिट करना पड़ा। बाकी जो पुलिस टीम है और जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के टीम्स भी है, सैंपल लिया जा रहा है, जल्दी ही किन कारणों से ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुआ हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ से लगभग 8 पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जिसमें से 5 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के ये 8 पेशेंट बताए जा रहे हैं। सर क्या बताया जा रहा है, किस तरीके की पॉइजनिंग है, क्या बताया गया? अभी इनका गैस्ट्रिक लवाज किया जा रहा है और सबको एडमिट करा दिया गया है। एडल्ट जो हैं मेडिसिन में भर्ती करा दिए गए हैं और बाकी को PDR में भर्ती करा दिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। सर किस थाने के बताए जा रहे हैं? ये थाना प्रतापपुर का कोई मामला है, वहाँ के बताया गया है। सर अभी क्या और पेशेंट भी आने की संभावना? जी हाँ, बताया जा रहा है कि और भी पेशेंट अभी आ सकते हैं। आ गया आज में समाजवादी पार्टी के निसार अहमद का बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने सूचना दी और मौके पहुंचे और साथ में शहजाद समीर जो कि जिनको पोस्ट सारे यहाँ पहुंचे और यहाँ से लेकर यहाँ गए हैं और वहाँ पर हम सीधा अब मेडिकल यहाँ से रवानगी कर रहे हैं और उन बच्चों की हालत पे बिल्कुल बरकरार देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दीदी कितने लोग थे, कितनों की हालत कैसी? लगभग 12 से 15 लोग हैं, जिसमें 5-4 से 5 बच्चे हैं और बाकी सारे लोग जो हैं बड़े हैं। एक शख्स आया जो कि अपना अपने आप को समाज सेविक बता रहा था और उसने कोल्ड ड्रिंक और कुछ सामान बांटा, कोल्ड ड्रिंक पीते सारी तुरंत यहाँ पर जो है बच्चों की हालत गंभीर हो गई और बड़े बेहोश हो गए। इन्हें तुरंत लेकर आनंद फान में जो है क्या अब से पहले भी कोल्ड ड्रिंक बांटने आए थे इस तरीके से? इस तरह से कोई नहीं आया। कोई मानसिक रूप से बीमार आदमी है जिसने इसका इस कृत घटना को अंजाम दिया, नहीं तो ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता कि ऐसे, क्योंकि इनके मोहल्ले में अक्सर यही काम होता है। जो समाज सेविक होते हैं वो खाने हो या किसी तरह की चीज हो, वो समाज सेविक आके यहाँ पर बांटते। एक बार फिर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया, जहां उन्नाव के परबांगुपुर क्षेत्र में सलारी खेड़ा निवासी युवती हाईकोर्ट लखनऊ गई थी, लेकिन लखनऊ में सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर से उन्नाव के बांगरमऊ थाने की पुलिस युवती को जबरन अपने साथ वापस ले आई। पुलिस टीम जिसमें एक दारोगा, एक महिला सिपाही और 4 कांस्टेबल थी, उन्होंने रास्ते में युवती को बुरी तरह से पीटा है जिससे उसकी नाक से खून भी आ गया। इसके बाद पुलिस ने महिला सिपाही का मेडिकल कराकर पीड़िता पर ही केस बनाने की तैयारी कर ली। पुलिस ने उसका फोन भी छीन लिया जो कई घंटे बाद वापस किया गया। युवती ने बताया कि पुलिस वालों ने उसका गला दबाया, उसकी उंगली तोड़ दी और गाड़ी का शीशा बंद कर बुरी तरह से पीटा है।
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं और पुलिस का यह मानवीय चेहरा, ये बेरहम चेहरा लगातार सामने आ रहा है पिछले कई दिनों से। गोरखपुर में जो हुआ उससे अभी लोग उभर भी नहीं पाए हैं, वो मामला अभी दबा भी नहीं है कि एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। अब ये पूरा मामला सामने आया जहाँ पर एक युवती इतना गंभीर आरोप लगा रही है कि पुलिस ने बिना कसूर युवती की पिटाई कर दी। महिला यहाँ पर पुलिसकर्मी बताई जा रही है, चार कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, उसे इतना पीटा कि उसके नाक से खून आने लगा है, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, उसका फोन छीन लिया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, वहीं उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया और मेडिकल कराया गया वो भी महिला पुलिसकर्मी का, ताकि क्लियर हो जाए कि उन्होंने युवती के साथ कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसी तमाम तस्वीरें पुलिस की क्यों सामने आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उन्नाव की तस्वीरें हैं, उन्नाव जो कि 2018 में 2017 में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बांगरमऊ क्षेत्र सलारी खेड़ा निवासी युवती जो लखनऊ हाईकोर्ट गई थी, लेकिन वहाँ पहले ही पुलिस ने उसे अपने साथ कर लिया और उसके साथ जबरन उसका फ़ोन छीना, उसके साथ मारपिटाई की और वो भी गाड़ी का शीशा बंद करके। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 22 साल का युवक अपने साथियों के साथ नाश्ता करने गया हुआ था। इसके बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कानपुर हेलट में भर्ती कराया गया। कानपुर हेलट में उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों ने साथियों पर ही नाश्ते में जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कही है और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। कानपुर देहात का एक पूरा मामला, कानपुर जो कि क्राइम सिटी बनता हुआ नजर आ रहा है, कानपुर में एक के बाद एक तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, डकैती हो। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां पर परिजनों ने दोस्तों पर ही आरोप लगाए हैं। दरअसल कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान रास्ता करने के बाद ही एक युवक की जान चली गई। तो ऐसे में परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने ही कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया है, जिसकी वजह से उनके बेटे की जान चली गई। हमारा भतीजा है जी, वो गया था परसों गाड़ी निकालने भुल्लन यादव के साथ। ठीक है, ठीक है। और उनके ड्राइवर दोनों लोग बियर पिए जी, बियर पीने के बाद उनका परवेश यादव ने नाश्ता कराया, 9 बजे रात ले गए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ, ठीक। इस दर्द होने के बाद उनके पापा को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद तो वो लेके अस्पताल पहुँचे। ये लड़का गया है अस्पताल तक, लेके सीधा गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। चौकी गए थे आपने? चौकी गए, चौकी में सुनवाई नहीं हुई। थाने? थाने में भी हम लोग जाएंगे। जाएंगे। शाम की बात है, शाम की हमारा बेटा लगभग 8:30 के करीब गया था, भुल्लन का ड्राइवर लेके गया था प्रवेश यादव नाश्ते के लिए। अपने ड्राइवर से कह दिया था कि खाना बनाओ, लौट के आया हमारा बेटा तो पेट हल्का हल्का दर्द होने लगा। तो कह सकते हैं नाश्ते में कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया? हाँ, कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया गया है। चौकी गए थे? चौकी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी गए थे हम लोग। वही योगी सरकार लाख दावे कर ले कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। चाहे गोरखपुर का कांड हो या फिर कानपुर व्यापारी की हत्या हो, सभी घटनाओं में पुलिस की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ताजा मामला बहराइच के थाना मटेरा का है, जहां पर लीलापारा निवासी बीजेपी के ही मंडल संयोजक को पुलिस बिना बताए चौकी उठा ले जाती है। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की लात घूसों से जमकर पिटाई करती है। पिटाई इस कदर की जाती है कि बीजेपी कार्यकर्ता अधमरा हो जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता के शरीर पर बने चोट के निशान गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस किस तरह बेलगाम हो चुकी है। यही नहीं, जब बीजेपी कार्यकर्ता ने कार्रवाई की बात कही तो उल्टे पुलिस ने ही कार्यकर्ता को ही धमकी दे दी कि अगर कहीं इसकी शिकायत की तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। मामला यही नहीं था,
थमा, बल्कि जब बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी आपबीती पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं से की तो उन्होंने पुलिस आलाकमान पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की मार से गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता बहराइच के जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। क्या योगी सरकार की यही जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऐसे तमाम सवाल आम जनता कर रही है। इन सबको देखकर यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, जिसे लगाम कसना जरूरी है। पूरा मामला ये है, और यहाँ पे थाने में हुआ मामला, किस प्रताप सिंह को वहाँ गए थे थाने को, एक नौकर को उठा ले गए थे दिवाकर सिंह का, तो जिसके लेके गए थे कि उनको छोड़ दो, ये तो निर्दोष है, तो इन्होंने के बाद में उनको पकड़ लिया, और एक बार सिपाही ने उनको मेज पे लटा के घूसा और एड़ा से ट्यूनी से बहुत बुरी तरीके से मारा, जिससे उनको काफ़ी चोटें आ चुकी हैं। मामला ये था, कुछ मंदिर का मामला था, रास्ते का, मंदिर के पीछे आबादी जमीन पड़ी थी, उसी का मामला था। कुछ गांव में विवाद हुआ थोड़ा बहुत, उसी में मतलब गांव के कुछ लोगों को पुलिस उठा के लेके गई। मैं अपने घर पे बैठा था, वहाँ पे संजय गौतम SI हैं इस समय, वो आए, मुझे वहाँ पे गाली वाली भी दिए, हमारे परिवार को भी, मेरी मम्मी थी और बुआ थी उनको भी गाली वाली बक के मुझे घसीटते हुए वहाँ से मारते हुए लेके गए थाने पे। फिर वहाँ थाने पे पहुँचे तो इंस्पेक्टर साहब थे RP यादव, उनके सामने वो बोले कि मुझे मार दो, वो भी ये बोले कि मतलब सपा का सरकार होता तो तुमको गोली से मार दिया जाता। पूरा मतलब बहुत मारे वहाँ पे, घसीट के लात जूतों से, और फिर पट्टा लेके बहुत मारे पट्टे से। फिर कोहनी ले गए, इकबाल सिपाही थे, वो टेबल था, टेबल पे लेटा के कोहनी से मारे। करीब कितने घंटे बाद आज आपको होश आया? आज कम से कम सुबह 9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद होश आया है, जब यहाँ से हॉस्पिटल लेके आए हम। जनपद बहराइच में भी कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी एक प्रश्न उठा है, जहाँ पर जनपद बहराइच के विधानसभा मटेरा में एक ताज़ा मामला है पुलिसिया प्रताड़ित को लेकर। पुलिस ने यहाँ पर भाजपा पदाधिकारियों को ही प्रताड़ित किया है और बुरी तरीके से मारा है, जिसके ऊपर जान माल की बनाई है, और जिला अस्पताल में वो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन और मौत के बीच में, और साथ ही और अन्य पदाधिकारियों को भी पुलिस ने जान माल की धमकी दी है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। यहाँ के तेज सराज पूर्व विधायक अणुवीर सिंह, जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने भी SP सुजाता सिंह से बात किया है, उसके बावजूद भी अभी 24 घंटे के बाद भी उन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अभी इस गोरखपुर की घटना को लेकर बयान दिया था कि जी कहीं भी कोई भी दागी पुलिसकर्मी है तो उसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर जाँच करनी चाहिए। देखने वाला विषय होगा क्या यह गोरखपुर का कांड फिर बहराइच जनपद में दोहराया जाएगा, जिस प्रकार से भाजपा पदाधिकारी भी दहशत में हैं, उनका परिवार दहशत में, उस क्षेत्र के लोग दहशत में हैं कि आखिर वो उन दरोगा उन पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी। कैमरा पर्सन के साथ अनिल तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। मिर्जापुर के ढीकली गांव में एक सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मार दी, उसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। वहीं गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं प्रेमी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने एक तरफा प्यार के चलते युवती को गोली मारी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बिजनौर पुलिस ने अधीक्षक अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। एक व्यक्ति गौरव त्यागी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, ये शादीशुदा थे, विधुर थे, इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, एक बच्चा भी है। पेट्रोल पंप पर पहले काम करते थे, एक क्षेत्रीय लड़की के साथ जो बालिक थी उनसे एक तरफा प्रेम प्रसंग था, आज किसी बात को लेकर के विवाद था। मानसिक असंतुलन की अवस्था में पहले लड़की को बाह में गोली मारा, लड़की सेफ है, सुरक्षित है, हॉस्पिटल में है, और खुद अपने घर में आकर के 315 बोर के तमंचे से अपने कनपट्टी में गोली मारी और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। यहाँ के स्थानीय अधिकारी, SP सिटी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में रेलवे कर्मचारियों की तरफ से गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति लगाव को देखते हुए नुक्कड़ नाटक कर
लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर एडीआरएम मुकुंद चंद्रा ने बताया कि बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रेलवे कर्मचारियों की तरफ से रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल के कोच और अपने आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी रेलवे अधिकारी एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा भी लगातार बन रहे हैं। पूरे वर्ष सफाई का कार्य निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसी कार्य को गति देने के लिए और एक स्पेशल फोकस करने के लिए हम ये पखवाड़ा मनाते हैं। और आज गांधी जयंती के अवसर पर खास ये है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे सारे यात्री जो आप देख रहे हैं इनको हम जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फोकस अच्छा रहता है और सरल भाषा में जो वो बताते हैं वो लोगों के मन में जहन तक स्वच्छता की अलग जगाने का काम और प्रभावी रूप से हो पाता है। सर, कब शुरू हुआ था ये अभियान और आज ये 16 सितंबर को शुरू हुआ था और आज देखिए समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक और प्रभावशाली ढंग से आज गांधी जयंती के दिन हम इसको एक अलग रूप देना चाहते हैं, इसलिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये सब कार्यक्रम हैं और इसको हम मना रहे हैं और लोगों में स्वच्छता की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। बलरामपुर में बिजली विभाग के बिल बकाए को लेकर मामला सामने आया है, जहां सरकारी विभाग का 30 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि देनदारी में सरकारी विभाग का 21 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल लंबित है, वहीं कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिल 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि अभियान के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी गरीब मजदूर किसानों के छोटे बकाया दर का कनेक्शन काट कर उन पर जुर्माना लगाकर खरी खोटी सुनाते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। वहीं अधिकारी सरकारी विभागों के बकाया बिल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा बकाया बिल DM ऑफिस का है। कुल 5 बड़े बकायेदार हैं हमारे पास। एलोपैथिक चिकित्सा पे 1,23,00,000 रुपया, प्राथमिक शिक्षा पे 2,19,00,000 रुपया, माध्यमिक शिक्षा पे 1,33,00,000 रुपया और जल संस्थान पे 1,49,00,000 रुपया। कुल 10,13,00,000 रुपया बकाया। अरे हम लोगों की जो है अगर 3,000 रुपये से ऊपर होती बिजली बकाया तो हमारे अधिकारी लोग जा कर के बिजली विभाग के जो है वहाँ कनेक्शन काट देते हैं और तरह तरह की खरी खोटी सुनाते हैं और जुर्माना भी ठोक देते हैं। ऐसे में हम लोग गरीब किसान जो है जीने को दूभर हैं कि हाँ कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे उनके फीस फास की जो है अदायगी की जाएगी। तो पहले से बिजली विभाग का रेट कुछ बढ़ा हुआ है? अरे दिन प्रतिदिन जो है इनका जो है रेट बढ़ता जा रहा है और इसे जो है हमारे जनमानस में जो है और हम लोग जो है इसे आहत हैं। कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी में देर रात समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कार से आए कुछ लोगों ने हर्ष यादव को गोली मार दी। गोली लगने से हर्ष की मौके पर ही जान चली गई। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। हर्ष को लहूलुहान हालत में पटेल चौक के पास स्थित नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। DCP साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से पूछताछ के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। शहर भर में नाकाबंदी कराकर कार सवार का पता लगाया जा रहा है। आगरा के डोकी गांव में पूर्व फौजी ने खूनी तांडव मचाया है। फौजी ने अपने गांव में फायरिंग की, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आप बता दें कि सरफरा फौजी पड़ोसी महिला पर बुरी नजर रखता था, जिसको लेकर फौजी पर छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि घटना के बाद से गाँव के अस्पताल में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।